आज का हमारा जो लेक्चर है वो फिजिक्स पे ही है, क्योंकि ये एक ऑन डिमांड लेक्चर है। एक स्टूडेंट की डिमांड है ये कि उनको हम एक सवाल सॉल्व करके सिखाएं। ये सवाल बेसिकली रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं जी कर देता हूँ, क्योंकि सवाल बेसिकली आपकी वर्टिकल मोशन पे है तो एक्सलेशन की जगह जी आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, एंड थर्डली हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सवाल कुछ इस तरह है कि एक साहब जी खड़े हैं क्लिफ पे और वो एक बॉल थ्रो करते हैं। वो एक सर्टेन हाइट अचीव करके वापस ग्राउंड पे गिरती है। तो जब उन्होंने बॉल फेंकी तो उन जो गिवन हमें डेटा है उसके मुताबिक वेलोसिटी आपकी 14.7 है। वो चाह रहे हैं कि टोटल बॉल और जो क्लिफ से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस है दैट इज 49 मीटर। ये हमारे पास अवेलेबल डेटा है। सवाल में जो हमें फाइंड करना है वो बेसिकली कि टोटल टाइम जितना एयर में रही है बॉल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, वो फाइंड करना है। उसके बाद क्लिफ जितना ऊपर बॉल गई है, मतलब कि ये साहब से लेकर जो जो बॉल जहाँ तक गई है वो डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है। तो हम इस तरह से इस सवाल पे अप्रोच इस तरह से हमारी होगी कि सबसे पहले हम ये टाइम फाइंड करेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचा है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे बॉल पहुँची तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी वेलोसिटी वी एफ जीरो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बॉल हवा में थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके मैं वी एफ जीरो पुट करता हूँ, वी आई 14.7 पुट करता हूँ। उसके बाद जो आपका जी आ जाएगा वो -9.8 आएगा, क्योंकि आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो ये है और जो जी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, तो और टाइम आ जाएगा। तो इस तरह हम टाइम निकाल लेंगे 14.7 डिवाइडेड बाई 9.8, जो कि बराबर हो 1.5 सेकेंड्स के। तो टोटल आपका आ गया 1.5 सेकेंड्स। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस लगा वो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू 14.7 इंटू 1.5 प्लस 1/2 इंटू -9.8 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये आ गया जी 22.05 माइनस 1/2 22.05, ये डिस्टेंस निकला है 11.025। अब 11 यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 11.025, और ये टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस 11.025 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। अब हमने देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 60 मीटर का डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर हुआ। वो आप अब मैं इस केस को अलग डील करूँगा और अज्यूम करूँगा कि यहाँ पे वी आई ज़ीरो है। अब मैं यहाँ से सवाल शुरू करूँगा, वी आई ज़ीरो है तो इस इक्वेशन में जब मैं वी आई पुट करूँगा ज़ीरो तो ये पूरा फैक्टर टर्म ज़ीरो जाएगी और एस इज इक्वल्स टू 1/2 GT² रह जाएगा। और अब हम क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं, मोशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो मैं ग्रेविटी को पॉजिटिव लूँगा और डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। डिस्टेंस आपका जी आता है टोटल, सॉरी डिस्टेंस तो मैं गिवन है, टाइम फाइंड कर लूँगा। डिस्टेंस आपका है 60 1/2 इंटू, मैं ग्रेविटी अज्यूम कर लेता हूँ 9.8 इंटू T², ये हो गया जी 120 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू T², और यहाँ से हमारे पास जो T निकला दैट इज 3.5 सेकेंड्स। तो 3.5 सेकेंड्स ये एंड 1.5 सेकेंड्स ये, तो टोटल हमारे पास जो टाइम हुआ वो हुआ 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड इज योर टाइम जितनी देर बॉल एयर में था। जी हमने उनकी डिमांड थी एक स्टूडेंट की वो पूरी की। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। कोई और आपकी डिमांड्स हो किसी भी हवाले से, कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए। थैंक्स यू।